साल से दान देना शुरू किया है, 6 साल से शुद्ध भोजन करना शुरू किया है, और जो कुछ भी है मैंने 6 साल से अपने जीवन को कन्वर्ट किया है, बदला है, बस महाराज जी इसलिए मैं अपनी उम्र 6 साल की मानती हूँ। और इसके पहले मैं बिल्कुल भौतिक बात के युग में जीती थी, पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहती थी, राग देश कसायों में उलझी रहती थी, तेरी मेरी में अपनी जिंदगी मैंने बर्बाद की। मगर जब मैंने अपनी सहेलियों को पवित्र बीतभाग धर्म करते हुए देखा तो मुझे भी टीस लगी और मैंने अपने आप को बदला, और आज मैं किसी भी प्रकार का कोई भी सौंदर्य सामग्री अपने जीवन में प्रयोग नहीं करती, बहुत शालीनता पूर्वक जीवन जीती हूँ, और मेरा परिवार भी ऐसा आदर से, मेरे बच्चे बहुत आदर से हैं। तो बेटा तुमने कहा कि मेरे पति तुम्हारे अभी गर्भ में नहीं आए, इसका क्या अर्थ होता है? बोले महाराज आप आहार करके जा रहे हैं और वो भी घबराटे देके सो रहे हैं, वो घबराटे देके सो रहे हैं, कहीं कल ऐसा तो नहीं हो, क्या नाम है, जयपुर हाउस वालों के परिवार में भी किसी के पति, किसी का बेटा, किसी का भाई अभी गर्भ में ना आया हो। पूज्य मुनि श्री यहाँ 6:30-7 बजे आकर के तैयारी कराएंगे और तुम्हारे श्रीमान अंदर से दरवाजा बंद करके सो रहे होंगे। तुम फोन पर फोन लगाना, दरवाजा खटखटाना, अरे क्यों दिमाग खराब करिए, सोने दे, हो सकता है, क्योंकि एक चावल खिचड़ी का या चावल का एक सीद देख करके पता चलता है कि चावल पक गया कि नहीं पका। मैं समझ गया हूँ, एक एक नज़र को देख ली मैंने, कितने लोगों में कितना उत्साह है, दिखावा है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। देखो मैं सच कहता हूँ, मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, ना राहु का लेना ना केतु का देना, क्योंकि मैंने नज़र से एक नज़र देख लिया, गलती कर दी, यहां तो कह दू यहां तो तब्बू को बुलाना था, और बढ़िया रोड पर फिर देखो कि भीड़, टिकट भी रखते अगर बाबू 2000-5000 तो हमारी ये सब बेटियां बहनें सब टिकट लेकर के बैठती, आनंद तो उसी में है, उसी का आनंद ले रहे हैं हम अपनी जिंदगी में, पंच इंद्रियों के विषयों में ही आनंद हमें लेना अच्छा लगता है, पुण्य का उदय है, पूर्व जन्म का, वर्तमान का नहीं, पूर्व जन्म का पुण्य है, उसे हम खा रहे हैं। आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। देख लेना कि 24 घंटे में हमारा खर्च कितना है और कमाई कितनी है। नोटों की कमाई नहीं कह रहा हूं, नोटों की कमाई तो ज्यादा है, खर्च कम है, और कॉलोनी और मोहल्ले में बहुत अंतर होता है। मोहल्ला वो कहलाता है जहां मुख्य रूप से हल्ला होता है, उसका नाम मोहल्ला होता है, और कॉलोनी वो कहलाती जहां लोन लेकर के भी कालीन बिछाई जाती है, उसका नाम कॉलोनी होता है। बहुत जरूरी है बंधु अपने आप को समझना, और अगर हम अपने आप को समझ गए तो हम बहुत कुछ पा जाएंगे, और नहीं समझ पाए तो हम बहुत कुछ खो देंगे, विनाश हो जाएगा। उस बिटिया से शिक्षा लेना जो अपने आप को 6 साल का मान रही है, तुम्हारा जन्म हुआ है कि नहीं, इस शरीर का जन्म नहीं चाहता मैं, शरीर का जन्म तो 9 महीने पहले गर्भ में ही आ जाता है जीव, मैं उस जन्म को चाहता हूं, उस जीवन को चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर से कितने विशुद्ध परिणाम हुए हैं धर्म के प्रति, अहिंसा धर्म के प्रति कितनी आस्था, कितना विश्वास है तुम्हारा, कितनी लगन है तुम्हारी, कि केवल हम बरसाती मेंढक बनकर के अपना जीवन जीते हैं। यह समझना है, एक आदर्श नारी बनना है, एक आदर्श मां बनना है, एक आदर्श बेटी बनना है, एक आदर्श बहन बनना है, एक आदर्श बहू बनना है। अभी तक जो कर दिया, जो किया,
उसे छोड़ दो। एक आदर्श सासू बनना है। अच्छी सास, अच्छी सास। आरिका विज्ञानमती जी ने एक पुस्तक लिखी है अच्छी सास, दूसरी पुस्तक लिखी बहू कैसी, कैसी बहू, ब्यूटी पार्लर जाने वाली, 1800 की लिपस्टिक लगाने वाली, ये बहू नहीं है, ये धोखेबाज है, ये सब बनावटी है, दिखावा है। ओरिजिनलिटी, जैसे अभी बैठे हैं ओरिजिनलिटी में, ये है ओरिजिनलिटी। मैं तो युवाओं से भी कहता हूं, बेटा अगर मन हो जाए गलती से कभी शादी करने का, युवाओं से भी कहता हूं कि अगर गलती से कभी मन हो जाए शादी करने का तो पहले से बता मत देना कि हम तुम्हारी बिटिया देखने आ रहे हैं। अचानक जाना, 6 बजे जाना, ठंड में तो 6 बजे जाना, जब वो तान मान करके सो रही होगी और उसके पिताजी को फोन पहुंचेगा उस बेटे के पिताजी का, अरे भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे थे जयपुर हाउस से, तो मेरे को ध्यान आया कि जो बातचीत चली थी आपका घर यहीं, आपका बंगला, आपकी कोठी यहीं पर है, प्लीज़ हम आ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से दिल्ली निकलना है। अब बिना सोचना, नहीं नहीं बस मैं एक नज़र बिटिया को देखना है बस, और क्या करना है। और बिल्कुल दरवाजे पे आके ही फोन किया, इसमें मुंह पे हाथ हाथ ना फेर ले मतलब, और बस खड़े खड़े देखना है, खड़े खड़े, यहां से लाल बही होगी तो यहां सफेद सफेद लगा होगा, आंखों में कीचड़ लगी होगी क्योंकि रात को 12-1 बजे तक हम मोबाइल चलाते चलाते सोए होंगे, आवाज भी कुछ हमारे जैसे मैंने अभी बनाई है ऐसे भरभरा रही होगी, और पापा क्या तुमने, बेटा उठो वो देखने आ रहे हैं, लड़का ही आ रहा है, बाकी तो सब हो ही गया था, अब यार हम नहीं दिखाएंगे, कोई तमाशा है क्या। बेटा देखो ऐसे नहीं, बात टूट जाएगी, क्या मतलब है। ठीक है हाँ पापा, रुक तो जाओ जब दरवाजा खोलने के पहले। अब उसने जैसे तैसे कीचड़ ईचड़ को साफ किया, आंखों को कुछ साफ किया, बाल वाल को चुन्नी भी लगा ली, वैसे तो कभी चुन्नी नहीं लगाती थी, मुन्नी कहाँ चुन्नी लगाती हैं, हाँ जो मेरे पास आ जाते हैं वो जरूर चुन्नी लगाते हैं, देखो ये बच्चे कितने अच्छे चुन्नी लगा के बैठे। क्योंकि एक नीति है, बुजुर्गों ने कहा है, सिर ढके तो मोरनी सी लगे, नहीं तो ढोरनी सी लगे, और सिर खुले तो जवान खुली। जब तक सिर ढका रहता है जब तक नारी मर्यादा में रहती है, और सिर खुलते ही सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। और उन्होंने दादाजी ने पिताजी ने दरवाजा खोला और उसके पिताजी जीना चढ़े और वो खड़े थे, कौन आया पापा, लड़के ने देखा, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। उसने अपने पापा से कहा, पापा चलो हो गया बेटा, अरे आप नाश्ता करिए बैठिए ना। नहीं हमें जाना है, फ्लाइट है हमारी, जल्दी से जाना है। अच्छा ठीक है ठीक। पिता ने बेटे से पूछा, बेटा कैसा रहा, बोले पिताजी मैंने ओरिजिनल लड़की को देखा है, ये रिश्ता पक्का, क्योंकि इन्हें लिपिपुती नहीं देखी मैंने, लिपिपुती में तो पता नहीं क्या क्या ढक जाता है। बहुत पहले 30-40 साल पहले की मुझे घटना स्मरण में आ रही है, देश का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर था भाई, उसकी शादी जिससे हुई थी वह हमेशा मेकअप करके रहती थी, हमेशा 24 घंटे लिपस्टिक लगाती थी, 24 घंटे मेकअप में रहती थी। और वो किसी मार्केट में गए तो पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए वो गाड़ी वो अपनी श्रीमती जी को उतार करके चले गए, बोले प्लीज आप यहीं रहना, नई नई शादी हुई थी।
और उनकी श्रीमती खड़ी रही, नई बहू थी तो कैसे किसकी दुकान पे चली जाती बेचारी। और अचानक मूसलाधार बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, कार खड़ी करके आई, थोड़ा दूर जाना पड़ता था पार्किंग के लिए जब तक वो लौटे। तो इधर उधर देखते हैं और उसी से पूछते हैं, बहन जी मेरी वाइफ यहाँ खड़ी थी, आपने देखी क्या? ये सत्य घटना है, ये पुरानी है, अगर कोई पुराना व्यक्ति होता तो मैं उससे प्रमाणित करा देता। तो वो कहती, पागल हो गई हो क्या, मैं ही तो हूं, ऐसी हो तुम, या अल्लाह, धोखा मत खा लेना रे, जो धोख लगाएगी तुम्हारे चरणों में कहीं वो धोखा ना दे दे, सावधान होना, ओरिजिनल लाना। और सुनो भी बेटियों, तुम भी अगर अपने होने वाले मंगेतर को देखने चाहो तो तुम पहले से, क्योंकि मेंस ब्यूटी पार्लर भी चलते हैं, तो बहुत सावधानी से जाना। अचानक पापा को कहना, पापा अचानक चलेंगे, अचानक चलेंगे, और अचानक देखना बस, जैसा तुम्हारी बड़ी बहन ने किया था अभी जो हमने दृश्य दिया था, वैसे ही वो भी करेगा अपने पिताजी से, मगर तुम तो घुस जाना और देख जाना, ओरिजिनल मिल जाए तो ओके कर देना, बस कुछ नहीं देखा करो, दो तीन चीजें देखा करो बस, कह दूं। दो तीन चीजें देखा करो, पहले से तो कोई है नहीं उसकी दो तीन, पहला पॉइंट, लड़का भी देखे दो तीन तो नहीं है पहले से, और लड़की भी देख ले दो तीन तो नहीं है पहले से, और गोल्डन ईगल तो नहीं लेता है, माय डियर कम हियर ठंडी बियर, वहां तो नहीं जाता है, सिगरेट तो नहीं पीता है, ये चीजें देख लेना लड़के में और लड़कियों में, क्योंकि दोनों के कारनामों में कोई अंतर नहीं है। अब एक और अभी बहुत तेजी से चल रहा है हुक्का बार, देख लेना कहीं कोई फ्लेवर का हुक्का पीती तो नहीं है, कोई फ्लेवर का हुक्का पीता तो नहीं है, उसी में गांजा मिलाकर के पीता हो, चरस मिलाकर के पीता हो, बस ये चार पांच चीजें देख लेना, बाकी तो फिर हम संभाल लेंगे सब, फिर हम बस सब सुधार देंगे। लिपस्टिक, लिपस्टिक तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमारी जैन समाज में कोई मांस खाएगा क्या, बताओ कौन मांस खाएगा? लिपस्टिक में कॉस्मेटिक जिसे आप कहते हैं, वो जानवरों के अंश हैं, जानवरों को मार करके वो अंश मिलाए जाते हैं उस लिपस्टिक में, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। अगर आप जैन हो तो आज ही वो 1800 रुपये जाएंगे, उन्हें फेंक देना नाली में कुचल करके, नहीं तो आपके घर में मांस रखा है, गर्भवती घोड़ी की लघु शंका रखी है, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी रखी है उसमें। पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। अभी मनोज जी भी कह रहे थे बहुत बुद्धिशाली लोग और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, इसलिए मैं सांकेतिक भाषा में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। समझदार के लिए सारा बहुत बड़ा काफ़ी है, समय भी वैसे आपका हो रहा है, दो तीन मिनट और हैं, समझ लें। अगर कैंसर से बचना है तो आज ही इसे तिलांजलि दे दें। मैं कहता हूँ हर जगह, जब एक सजना मिल गया अब क्यों सजना, समझ में आया? जब एक सजना मिल गया फिर किसके लिए सजना, फिर कौन सा सजना? और अगर अभी भी सज रहे हैं तो मानसिकता में कहीं ना कहीं कोई खोज है किसी सजना की। देखो मैं बहुत खरी खोटी कहता हूं, इसलिए मनोज जी ने पहले ही कह दिया था कि गंभीर सागर जी का प्रवचन सुन लेना, क्योंकि मनोज जी तो 30 साल से मुझे जानते हैं, 29 साल से, क्योंकि मैं लाग लपेट मुझे आती नहीं, मेरे सिद्धांत है किसी को धोखे में मत रखो, किसी को धोखे में मत रखो, उसे सही सही बता दो
उसकी मर्जी। कैंसर, अभी राजस्थान में 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है 2 साल के अंदर, इसी लिपस्टिक के कारण। आपको लगता होगा कि महाराज हम 15-15 साल से लगा रहे हैं, हम 20 साल हो गए, मैं भी शादी हुए, मैं जब लगा रही हूं अभी तक नहीं हुआ। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, सासुओं के मन में भी उठ सकता है, यहां तो सासुएं भी लगाती हैं, बहुओं की तो छोड़ो, और दबा रही है 2-3 सासुओं की, छुल्लक जी प्रवचन बंद कर दो नहीं तो गुस्सा बहुत तेजी से आ रहा है, और दब रहे हैं, मैं सब देख रहा हूं क्योंकि मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है। अब यहां के लोग मुझे जानते नहीं है, बाकी लोग तो मुझे जानते हैं जो 6 महीने से मेरे पास है। तो ये समझने की जरूरत है, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, सटीक है, होंगे इसमें बैठे होंगे 15-15, 20-20 साल से लगाने वाली हमारी माताएं बहनें, उनको अभी तक कैंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास उस रोग को रोकने की अवरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं, वो पावर अभी आपके पास है, और जिस दिन वो पावर कम होगा, खत्म होगा, उसी दिन गांठ बनना शुरू हो जाएगी, और फिर ढूंढोगे सुधा सागर जी महाराज कहाँ है, कहाँ है, क्यों, वो मुझे ना शांति धारा कराना, वो क्यों ही हो, मुझे कैंसर हो गया, शांति धारा कराना उनसे, क्योंकि कहते हैं वो बड़े चमत्कारी हैं। तो महाराज जी तो ऐसे लोगों की नहीं करते हैं, प्लीज करवा दो ना, बोली लगती है, हम बोली भी ले लेंगे ना। अब क्या बोली ले लोगी, इतने जानवरों की बद्दुआएं तुम्हारे ऊपर हैं, भेल मछली की बद्दुआ है, गर्भवती घोड़ी की पेशाब की बद्दुआ है, गर्भवती घोड़ी की है, मछलियों की है, संगी पंचेंद्रीय जीवों की बद्दुआएं हैं, प्रमाणिकता है मेरे पास, इसका लेख है पूरा, और भी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें दी हैं। पढ़े, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप मोबाइल में देखें अपने और निकालें कि किस प्रकार से लिपस्टिक बनती है, आपका मोबाइल खुद बताएगा, और उसकी एक कॉपी करके मुझे दे देना, जिसमें मैं दूसरी कॉलोनी में जाऊंगा तो और बताऊंगा कि हमें हमारी बहनों ने मुझे दी है, और प्रमाणिकता में पोस्टर चिपकाऊंगा। समय आपका हुआ, समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, शांति दावा भी कार्यकारी नहीं होगी। दूसरों को मौत के घाट उतार करके हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, दूसरे जीवन का विनाश करके हम अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं। क्या तुम्हें अपने आप की सुंदरता से संतुष्ट नहीं है? कौन व्यक्ति है जो अपने आप को विद्रूप और कुरूप मान रहा है, हाथ उठाए, कौन है कोई हाथ उठा रहा है? जब आप स्वयं अपने आप में सुंदर हैं तो फिर आप आर्टिफिशियल क्यों सजना चाहते हैं? क्या कारण है, विचार करना। कल अगर रहा तो फिर आऊंगा आपके बीच में और कुछ और बताने का प्रयास करूंगा।